बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज गति से बढ़ रही है। सभी जिलों में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में संक्रमितों की संख्या 5,500 के पार पहुंच गई है। आज कोरोना के 128 नए मरीज मिले हैं, जबकि मंगलवार को 208 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 5,583 पहुंच गया है। वहीं इस दौरान 33 लोगों की मौत भी हो चुकी है। औरंगाबाद में एक दारोगा और सारण में एक अधेड़ की कोरोना से मौत हो गई है। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी साथ साथ बढ़ रही है। अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 2770 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य में अब तक 50% से अधिक मरीज इस महामारी पर जीत हासिल करने में सफल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो गत 7 दिनों में कोरोना संक्रमित 967 लोग महामारी से मुक्त हो गए हैं। बिहार के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना को मात देती दिख रही है। मृत्यु दर हो या रिकवरी रेट, सभी में बिहार की स्थिति फिलहाल बेहतर है। राष्ट्रीय स्तर पर मौत की दर जहां 3.5% के करीब है, वहीं बिहार में यह 1% से भी कम है। बिहार में कोरोना के संक्रमित मरीज 6 से 9 दिनों में स्वस्थ हो जा रहे हैं। किसी अन्य गंभीर रोग से ग्रसित मरीज को थोड़ी परेशानी हो रही है, जबकि WHO के निर्धारित मानक के अनुसार 14 दिनों के आइसोलेशन के बाद ही मरीजों में सुधार की संभावना होती है। बिहार में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति अब भी है, क्योंकि बिहार में करीब 25 लाख प्रवासी लौट चुके हैं। इनमें से 14 लाख क्वारंटाइन सेंटर से भी घर लौट चुके हैं। सामुदायिक संक्रमण की स्थिति होती तो 1 लाख के करीब संक्रमित होने चाहिए थे, जबकि अभी मात्र 5,583 संक्रमित मरीज ही जांच में मिले हैं। बिहार में कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि बिहार के अधिकारी से लेकर पुलिस के जवान तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। BMP के बाद अब डॉग स्क्वाड का हैंडलर संक्रमित हो गया है। वह 8 जून को जहानाबाद से आया था। पटना में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिले में 1,044 बेड का और आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिस तरह से बिहार में कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, वह लोगों के लिए काफी राहत देने वाली है। हालांकि इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए इससे बचकर रहना होगा, तभी कोरोना को खत्म किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटी।